अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी अली फयाज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टिकटॉक स्टार सहर हयात ने भी मंगनी कर ली है। सहर हयात ने टिकटॉकर सैफ खान से एंगेजमेंट की है। सहर हयात की मंगनी पर उनके एक्स फियांसी अली भट्ट भी बोल पड़े हैं। अली भट्ट ने क्या कहा है सहर हयात और सैफ खान की मंगनी के बारे में, आपको दिखाएंगे उनकी मुकम्मल वीडियो, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं सैफ खान और सहर हयात की एंगेजमेंट। जब जब सांसें भरता हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा के जैसे चलती है तू, मैं रेत जैसे उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। वो दिस इज फॉर यू माय लाइफ। तेरी दूरी ना मैं आराम सह सकदा, तू ज्यादा ना किसे नू प्यार कर सकदा। तेरी दूरी ना मैं आराम सह सकदा, तू ज्यादा ना किसे नू प्यार कर सकदा। आपको पता ही होगा कि अली भट्ट और सहर हयात का कपल टिकटॉक पर काफी फेमस था। इनकी जोड़ी को लोग काफी पसंद करते थे और इनकी कपल वीडियोस को भी बेहद पसंद किया जाता था। दोनों शादी भी करने वाले थे मगर अचानक दोनों का ब्रेकअप हो गया। दोनों के ब्रेकअप की खबर इनके फैंस के लिए काफी शॉकिंग थी। अली भट्ट तो अपने ब्रेकअप पर कई बार बोले, उन्होंने ब्रेकअप का सारा जिम्मा सहर हयात पर डाल दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि सहर हयात टिकटॉक की हानिया आमिर है। अब सहर हयात भी मूव ऑन कर चुकी हैं। उन्होंने सैफ खान से मंगनी कर ली है, जिस पर अली भट्ट ने भी रिएक्ट किया है। अली भट्ट सहर हयात और सैफ खान की एंगेजमेंट पिक्चर्स पर लिखते हुए कहते हैं, मैं दोनों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। मेरी दुआ है कि दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहें। प्लीज मुझे और सैफ खान को कंपेयर ना किया जाए और ना ही सहर हयात की एंगेजमेंट पिक्चर्स पर मुझे टैग किया जाए। मैंने ये भी सुना है कि दोनों शादी करने जा रहे हैं, जिस पर मैं खुश हूं, और बेशक निकाह सबसे पाक रिश्ता है। तो अली भट्ट ने भी सहर हयात की मंगनी पर उन्हें मुबारकबाद दी है और वो भी मूव ऑन कर चुके हैं। आपको कैसा लगा सहर हयात और सैफ खान का कपल, या फिर आपको अली भट्ट और सहर हयात का कपल ज्यादा पसंद था? कमेंट सेक्शन में अपने कीमती ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।